हेलो बच्चों, आपका रेडियस क्लासेस 247 में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का इस वीडियो का जो शुरुआत है वो हम लोग करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक से, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये दो से विभाजित हो सकता है या नहीं, यानी कि एनी नंबर्स डिविजिबल बाय टू है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आज एक छोटे से नियम को समझेंगे। तो चलिए बोर्ड पर समझते हैं, बात करते हैं क्या है कि दो से विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू। कोई भी संख्या दो से कब डिविजिबल होगा, चलिए नियम समझते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या तो 8 हो तो वह संख्या पूरी तरह से दो से विभाजित हो जाएगा। यानी कि इफ अ नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8 देन दैट नंबर विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू। अब समझिए क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में इनमें से कुछ भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास 24 है, ठीक है, या तो हमारे पास 30 है, या तो हमारे पास 46 है, या तो हमारे पास 1984 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लो कि 0 भी रख सकते हैं, या तो यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में क्या क्या है। तो हमारे पास लास्ट में इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें आपका 4 है, तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, यानी कि 2 से डिवाइड इसको करते हैं बच्चे, तो ये हो जाता है आपका 12। इसको करते हैं 2 से डिवाइड तो आपका हो जाता है ये 15, ठीक है। यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाता है 46 है, तो ये 23 हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही आप 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, यानी कि 9 × 2 = 18 बचेगा, फिर 9 × 2 = 18, फिर 2, फिर 1, यानी कि आपका यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या अर्थ है कि अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो या तो 8 हो तो वो संख्या आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी छोटे छोटे वीडियोज आप चाहते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय।